कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में भी जाकर के इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य पब्लिकेशन, अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। साथ ही साथ CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने अभी भी ओपन करके रखा है। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो CGPSC ई पाठशाला मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सभी को अब तक न्यूज़ तो मिल ही गया होगा कि 58% रिजर्वेशन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सभी विभागों को निर्देश भी दे दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि आरक्षण मुद्दे के कारण अपने प्रिपरेशन जोन से बाहर चले गए थे, वो फिर से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। तो अब कभी भी किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो अपने आप को आगामी परीक्षाओं के लिए थोड़ा रेडी रखिए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। खनिज राजस्व 2022-23, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के डाटा जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व के रूप में 12,941 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपये अधिक है। ठीक है, 636 करोड़ रुपए अधिक है। देखिए, आप किसी भी पब्लिकेशन का आर्थिक सर्वेक्षण का बुक फॉलो करते होंगे तो वहां पर ये सारे डाटा को वहां पर अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम अपनी बुक की बात नहीं कर रहे, किसी पब्लिकेशन की आप आर्थिक सर्वेक्षण की बुक फॉलो कर रहे होंगे तो इस डाटा को आपके खनिज वाले चैप्टर में जाकर के अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में केवल 21-22 तक के ही डाटा आए हैं और यह लेटेस्ट डाटा है 2022-23 का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद करना है और आर्थिक सर्वेक्षण के खनिज वाले चैप्टर में जाकर के इसे नोट डाउन भी करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व के रूप में 12,941 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितनी, 636 करोड़ रुपए अधिक है। अगर हम हमारे प्रदेश के प्रमुख खनिजों की बात करें, प्रमुख खनिज जिससे सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, उसे आपके प्रमुख खनिज या मुख्य खनिज कहा जाता है, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर, बॉक्साइट। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खनिज राजस्व लौह अयस्क से प्राप्त हुआ है, कितना, 3,607 करोड़ रुपए। दूसरा है कोयला, जिससे प्राप्त हुआ है 3,336 करोड़ रुपए। तीसरा है चूना पत्थर, जिससे प्राप्त हुआ है 392 करोड़ रुपए। और चौथा है बॉक्साइट, जिससे मिला है 32 करोड़ रुपए। और शेष राशि गौण खनिजों से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस साल सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है लौह अयस्क से, जबकि पिछले 3-4 साल के डाटा को उठा करके देखें तो पिछले 3-4 सालों में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त हो रहा था कोयला से, लेकिन इस साल किससे प्राप्त हुआ है, इस साल प्राप्त हुआ है लौह अयस्क से। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूं, अपडेट करना जरूरी है। लौह अयस्क से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, कितना, 3,607 करोड़ रुपए। ठीक है, और सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति लौह अयस्क से हुआ है। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, किस जिले से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो यहां पर ध्यान देना। हमने अभी क्या देखा था कि हमारे प्रदेश के मुख्य खनिजों में से सर्वाधिक खनिज राजस्व किससे प्राप्त हुआ, लौह अयस्क से, और लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है, दंतेवाड़ा से। तो यहां पर ध्यान देना कि दंतेवाड़ा जिले से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है। दंतेवाड़ा जिले से 6,419 करोड़ रुपए, कोरबा से 2,361, रायगढ़ से 1,717 करोड़ रुपए, आपके बालोद से 760, बलौदा बाजार से 315, कांकेर से 286 और सरगुजा से 262। सभी राशि जो है ये करोड़ रुपए में है। किसमें है, करोड़ रुपए। ठीक है, तो सर्वाधिक खनिज राजस्व अगर लौह अयस्क से प्राप्त होता है या लौह अयस्क से प्राप्त हुआ है, तो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता, दंतेवाड़ा जिले से। तो दंतेवाड़ा जिले से ही सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होगी। सेकंड नंबर पर है कोयला, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है, कोरबा जिले से। तो सेकंड नंबर पर है कोरबा। तो सीक्वेंस भी याद रखना,
सर्वाधिक खनिज राजस्व लौह अयस्क से प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति दंतेवाड़ा जिले से हुई है, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, 12,941 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। अब देखिए कुछ डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रदेश के कुछ स्थानों में इन खनिजों की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि लिथियम जिसका उपयोग अभी जो ईवी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रही है, उसकी बैटरी बनाने में, ग्लास बनाने में, सिरेमिक्स बनाने में, औषधि और लुब्रिकेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। इसकी उपलब्धता है आपके कोरबा जिले के कटघोरा में और सुकमा जिले के गोविंदपाल मुंडपाल वाले क्षेत्र में, ठीक है, इन जिलों में जो है लिथियम का भंडारण है। लिथियम का उपयोग अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही है, बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां आ रही है, उसमें इसका उपयोग होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, इसको जो है आपको काफी अच्छे से करना है, क्योंकि अभी ये जो लिथियम है ये सबसे हाइलाइटेड टॉपिक है। इसका भंडारण कहां पर है, कोरबा जिले के कटघोरा में और सुकमा जिले के गोविंदपाल मुंडपाल में। सेकेंड नंबर पर है आपका ग्लूकोनाइट, जिसका उपयोग कृषि, रासायनिक उर्वरक, जल शुद्धि आदि में इसका उपयोग होता है। ये मिला है आपके महासमुंद जिले के गिरौद, उपरानी, बलौदा बाजार, अर्जुंदा, ठीक है, यहां पर ये मिला है, यानी कि ये जो गिरौद उपरानी है ये बलौदा बाजार में है, अर्जुंदा जो है ये महासमुंद की उसमें मिला है, ठीक। उसके बाद अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी, लुब्रिकेंट, पेंसिल लीड बनाने में होता है, तो ये जो मिला है ये मिला है आपके केगापारा, इसके अलावा मुरका बसेरा, तीसरा है मणिकपुर, बलरामपुर और बस्तर, इन क्षेत्रों में मिला है। जबकि निकिल क्रोमियम मिला है, ये जिसका भी उपयोग बैटरी, स्टील मेकिंग और ज्वेलरी में होता है, ये मिला है आपका भालूकोना, जमनीडीही, केलवा, डबरी, महासमुंद में इसकी उपलब्धता मिली है। साथ ही साथ राजनांदगांव जिले के कोरीकसा में इसकी उपलब्धता है। अगर हम गोल्ड की बात करें, इसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में होता है, कांकेर, बागमारा, बलौदा बाजार, रतनपुर और निवासा, यहां पर जो है, सॉरी रतनपुर निवासा नीचे है, ये है कांकेर और बागबारा बलौदा बाजार, यहां पर इसकी उपलब्धता है। उसके बाद अगर हम मैग्नीज की बात करें, तो मैग्नीज जो है ये रतनपुर निवासा, कमरकोल, बिलासपुर, औरंगा धुलांगी, बलरामपुर, यहां पर इसकी उपलब्धता है, किसकी, मैग्नीज की, ठीक है। वैसे ही जो है आपका फास्फोराइट, जो कि रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग में होता है, खपरी, अछोली, रायपुर और बिजौरा बालोद में इसकी उपलब्धता है। टीन की उपलब्धता, टीन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक में होता है, इसकी उपलब्धता दंतेवाड़ा जिले में है। तो थोड़ा सा स्थानों के नाम को याद रखना, स्पेशली लिथियम का और थोड़ा सा ये निकल क्रोमियम का, जो कि भालूकोना और केलवा डबरी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले साल और इस साल की न्यूज़पेपर में काफ़ी हाईलाइट में थे ये भालूकोना, केलवा डबरी, इसके अलावा कटघोरा, गोविंदपाल मुंडपाल, लिथियम, निकल क्रोमियम, इसको पहले करना, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका योजना, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस साल के बजट, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरुआत हुई है आपके 13 अप्रैल 2023 से। 13 अप्रैल 2023 से बस्तर जिले के जगदलपुर के लाल बाग मैदान से विशिष्ट अतिथि के रूप में थी आपकी श्रीमती प्रियंका गांधी जी। इनकी उपस्थिति में इस मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। घोषणा तो किया गया था आपके छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में, शुरुआत हुआ है इसका 13 अप्रैल 2023 से, ठीक है। ये जो आपके इस योजना का उद्देश्य है, आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया है। अब यहां पर बात हो रहा है आदिवासी पर्व, तो इस योजना का, ये योजना कहां पर लागू होगी, अनुसूचित क्षेत्रों में, प्रदेश के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्रों में यह मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना लागू होगी, ठीक है। इसमें अनुदान मिलेगा ग्राम पंचायतों को, अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, दो किस्तों में 5,000-5,000 रुपए करके, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। देखिए इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सवों, त्योहारों के मेले, मंडई, यात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली आदि उत्सवों, त्योहारों, संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई है। ग्राम स्तरीय इसमें जो है शासकीय निकाय
में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अध्यक्ष होंगे गायता पुजारी सिरहा गुनिया बैगा। ये आपके अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों में ये सब पूजा पाठ का कार्य करते हैं, गायता पुजारी सिरहा गुनिया बैगा ये इसके सदस्य होंगे। और ग्राम स्तरीय जो आपका निकाय बनाया जाएगा उसमें गांव की दो बुजुर्ग, दो महिला और ग्राम कोटवार पटेल एवं ग्राम पंचायत के सचिव सदस्य होने जरूरी है। बस्तर संभाग में 1840 ग्राम पंचायतों को योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपए की राशि के मान से अनुदान जारी भी कर दिया गया है। तो जो मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना किस डेट से शुरू हुआ पूछा जाए तो 13 अप्रैल 2023 से। किस क्षेत्र में लागू होगा पूछा जाए तो अनुसूचित क्षेत्र में यह योजना लागू होगी। यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, डेट को स्पेशली याद रखना। वैसे ही एक और योजना है उसी के जैसे मिलता जुलता नाम है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर आदिवासी है। और सेकंड योजना पे नाम है आपका मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत 20 अप्रैल 2023 से किया गया, 7 दिन बाद, उस योजना के 7 दिन बाद 20 अप्रैल 2023 से इस योजना की शुरुआत की गई। ये योजना प्रदेश के गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में तीज त्योहार की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। पिछली योजना अनुसूचित क्षेत्रों के लिए थी, ये प्रदेश के सभी गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। इसमें भी ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा, 10,000 रुपए की राशि दो किस्तों में 5,000 रुपए करके दी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश के 61 विकास खंड सामुदायिक क्षेत्रों के 6,111 ग्राम पंचायतों में यह योजना लागू होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए योजना लाई जा रही है, 20 अप्रैल 2023 से इस योजना की शुरुआत की गई है। और कॉन्सेप्ट सेम है कि जो आपके जितने भी तीज त्योहार पर्व है हमारे स्थानीय स्तर के, उसे संरक्षित करना, उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से। डेट स्पेशली याद रखिएगा, योजना किस डेट में शुरू हुई, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022। अभी हाल ही में अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, ठीक है। ये इसका पांचवा संस्करण था, पिछला संस्करण आया था आपके 2018 में। इस अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या है आपका 3,167 बाघों की संख्या है, जो कि पिछले साल की जो रिपोर्ट की तुलना में इस बार 200 बाघों की वृद्धि हुई है। कितने की? 200 बाघों की वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में 6.7% बाघों की वृद्धि हुई है। अगर हम छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या की बात करें तो पिछले रिपोर्ट 2018 में हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी, 19। देखिए 2018 में जो रिपोर्ट आया था उसमें हर एक राज्य में बाघों की संख्या के रिपोर्ट भी जारी किए गए थे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आया है उसमें राज्य स्तरीय बाघों की संख्या अलग से जारी नहीं किया गया। कुछ मेन स्टेट के जारी किए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, जहां पर सर्वाधिक बाघ है। छोटे छोटे राज्यों के डाटा जारी नहीं हुए, आने वाले समय में जारी होंगे, ठीक है। तो पिछले रिपोर्ट की तुलना में हमारे प्रदेश बाघों की संख्या कितनी थी, 19। इस नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2022 के रिपोर्ट के आधार पर बाघों की संख्या कितनी है, 3,167। इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम का ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में हमारे भारत देश में बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है, 200 बाघ अधिक है, जो कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में 6.7% अधिक है, ठीक है। अगर हम बात करें कि रिपोर्ट यानी कि भारत को बाघों की संख्या के आधार पर चार पार्ट में, इसे जो है टोटल पांच क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया है, शिवालिक पर्वतमाला एवं गंगा मैदान, दूसरा मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र एवं पूर्वी घाट, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा सुंदरवन और पांचवा है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सर्वाधिक किस क्षेत्र में है बाघों की संख्या पूछा जाए तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 1,161 मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, ठीक है। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये इसी मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र एवं पूर्वी घाट वाले क्षेत्र के का ही एक हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। अब देखिए, जैसे कुछ मेजर स्टेट है जहां पर बाघों की संख्या के डाटा जारी हुए हैं, अगर सर्वाधिक बाघों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। 2022 की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में 526 बाघ है। सेकेंड नंबर पर है आपका कर्नाटक, जहां पर 524 बाघ है, मात्र दो कम है, ठीक है। तो ये है बाघों की संख्या। पिछले रिपोर्ट में प्रदेश में बाघों की संख्या थी कितनी, 2,967, अभी वृद्धि हुई है 200 की, कितना हो गया है, 3,167।
6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है बाघों की संख्या में। अलग अलग राज्यों में यहां पे बाघों की संख्या को दर्शाया गया है। सर्वाधिक बाघ है मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पर है आपका कर्नाटक, ठीक है। इस बार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये बाघ अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट ये तो जारी किया गया, साथ ही साथ इस बार इंटरनेशनल बिग केट अलायंस का भी घोषणा किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग केट अलायंस का उद्घाटन करते हुए यह गणना जारी किया गया है, ठीक है। ये जो आपका इंटरनेशनल बिग केट अलायंस है यानी कि IBCA को बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसमें इसके सदस्यों में 97 देश शामिल है। तो देखिए ये जो आपका अलायंस बनाया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये केवल बाघों के लिए नहीं, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सभी के संरक्षण के लिए ये अलायंस बनाया गया है जिसमें टोटल 97 देश शामिल है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, ये भारतीय करंट अफेयर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने देश सदस्य शामिल है, तो कितने शामिल है, टोटल 97 देश शामिल है, ठीक। अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो हमारे प्रदेश में ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में हमारे प्रदेश के केवल 3 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा अचानक मार टाइगर रिजर्व और तीसरा है आपका उद्यंती, उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। चौथा टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसे इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व है, 4 में से केवल 3 टाइगर रिजर्व के डाटा ही शामिल किए गए हैं, और इसके आधार पर प्रदेश में पूरे भारत भर में जितने भी टाइगर रिजर्व है उनकी एक रैंकिंग जारी की गई है। देश भर में 51 टाइगर रिजर्व है, इनमें से 3 छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार प्रदेश का अचानक मार टाइगर रिजर्व 36वें स्थान पर, उद्यंती 48वें और इंद्रावती 50वें स्थान पर है, यानी कि स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। 2014 में 46 टाइगर थे जो कि 2019 में घटकर हमारे प्रदेश में हो गए हैं आपके, यानी कि 2018 में घट करके ये हो गया है आपका 19, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, देखिए छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व को कितने अंक मिले, अचानक मार को जो है अंक से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए है ये अचानक मार जो है ये 51 टाइगर रिजर्व में 39वें स्थान पर है, उद्यंती सीता नदी 48वें स्थान पर, जबकि इंद्रावती 50वें स्थान पर है, 51 टाइगर रिजर्व में सेकंड लास्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये इनकी रैंकिंग को देख लेना, 2018 में इनकी रैंकिंग थोड़ी ठीक थी, लेकिन इस बार जो इनकी रैंकिंग है क्या है, अचानक मार 39वां, उद्यंती सीता नदी 48वां और इंद्रावती जो है ये 50वें स्थान पर है, इन दोनों की रैंकिंग में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका जो रैंकिंग है ये थोड़ा बढ़ा है अचानक मार वाले का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा। चौसिंगा ये देखा गया है आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में चार सिंह, इसे आप क्या बोल सकते हैं, चार सिंह वाला हिरण, हिरण की प्रजाति का है ये। देखिए ये जो आपका चौसिंगा है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 के अंतर्गत इसे संरक्षित रखा गया है। ये दुर्लभ प्रजाति का जीव है, ठीक है। ये जो है ये समानता रखता है हिरण से। इसका रंग जो है सुनहरा लाल रंग का होता है। इसके सिर के ऊपर टोटल 4 सिंह होते हैं, ठीक है। सिंह वाले जगह पे तो होते हैं नाक से थोड़ी सी दूरी पर, यहां पर जो है आंखों के जस्ट ऊपर भी सिंह होते हैं। तो दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा प्रदेश के किस नेशनल पार्क में देखा गया, किस वन क्षेत्र में देखा गया, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दुर्लभ प्रजाति का 4 सिंह वाला हिरण या चौसिंगा देखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका माता कौशल्या महोत्सव 2023। इसकी भी घोषणा, इस महोत्सव की भी घोषणा छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में किया गया था। ये महोत्सव का आयोजन हुआ 22 से लेकर के 24 अप्रैल 2023 चंदखुरी रायपुर, चंदखुरी, जहां पर भगवान श्री राम की माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर स्थित है आपके चंदखुरी रायपुर में। यहीं पर माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट, कब से कब तक, 22 से लेकर के 24 अप्रैल तक, 22, 23, 24, 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हुआ। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 22 से लेकर के 24 अप्रैल 2023 तक चंदखुरी में कौशल्या माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जो है आपके राम रामायण परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रामायण मानस मंडली कलाकारों को भी सम्मान प्रदान किया गया। प्रति मानस मंडली 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेट, ठीक है, 22 से लेकर के 24 अप्रैल 2023।
नेक्स्ट है आपका महंत घासीदास संग्रहालय, इससे रिलेटेड कुछ डाटा आए थे आपके न्यूज़पेपर में, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक, इसे देखिएगा, ये जो महंत घासीदास संग्रहालय है ये 1975 में इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। इस संग्रहालय की स्थापना नांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास के द्वारा कराया गया। बहुत से लोगों को तो यही रहता है कि जो घासीदास संग्रहालय है ये सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी के नाम पे है। जी नहीं, 1875 में इस संग्रहालय की स्थापना राजा, जो आपके राजा महंत घासीदास, नांदगांव रियासत के राजा थे, आपके राजा महंत घासीदास के द्वारा इस संग्रहालय की स्थापना की गई। 1953 में संग्रहालय भवन का पुनर्निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में 17,279 पुरावशेष एवं कलात्मक सामग्रियां है, 4,322 सामग्री गैर पुरावशेष और शेष, ये सामग्रियों के नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि महंत घासीदास संग्रहालय जो है ये देश का 8वां सबसे पुराना संग्रहालय है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय एक पुरातात्विक संग्रहालय है। महंत घासीदास संग्रहालय की स्थापना 1875 में राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास ने करवाया था। 1953 में रानी ज्योति एवं उनके पुत्र दिग्विजय ने इस भवन का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, इस संग्रहालय में प्राचीन आयुधों के नमूने, प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि प्रदर्शित है। 1953 को इस संग्रहालय भवन का लोकार्पण भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, 1953 में जब इसका पुनः निर्माण हुआ तब इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें कुल कितने पुरावशेष है आपका 7279, इतने आपके पुरावशेष यहां पर मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। अभी हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक है आपका ग्राम पंचायत नागम और दूसरा है आपका साकरा गांव। सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि धमतरी जिले के नगरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव साकरा गांव को स्वास्थ्य पंचायत की श्रेणी में पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत नागम जो कि सरगुजा जिले से है, साकरा ग्राम जो कि धमतरी जिले से है, साकरा ग्राम को स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया जबकि नागम ग्राम पंचायत को गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन की श्रेणी में प्रदान किया गया है पुरस्कार। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इस बार केवल 2 ही पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया गया, केवल 2 ही श्रेणियों में हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्य महिला उद्यमिता नीति। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है औद्योगिक नीति हमारे प्रदेश में जो है आपके 5वीं औद्योगिक नीति चल रही है, औद्योगिक नीति है, ग्रामोद्योग नीति है, वैसे ही आपके लॉजिस्टिक पार्क नीति भी लागू थी, वैसे ही इस साल प्रदेश सरकार ने एक नई नीति लागू की है जिसका नाम है राज्य महिला उद्यमिता नीति। ये भी एक प्रकार की औद्योगिक नीति ही है जो कि महिला उद्यमियों पर केंद्रित है। ये जो आपकी उद्यमिता नीति है ये 1 अप्रैल 2023 से यह लागू हुआ है 5 साल के लिए। कब तक रहेगा ये जो है ये आपका 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से अगले 5 साल 31 मार्च 2028 तक यह राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है। महिलाओं की कार्य कुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए यह नया अवसर है। महिला को उद्योग स्थापित करने के लिए, देखिए इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए, सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र में 25 लाख रुपए और बिजनेस एंटरप्राइजेस यानी कि आपके व्यवसाय के क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें प्रदान किया जाएगा। अन्य भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक यह लागू है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आर्थिक
छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023, ठीक है, ये जो सर्वेक्षण हो रहा है ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 अप्रैल 2023 तक यह सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर के मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे को कराए जाने का उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, साथ ही साथ आगामी जो सरकार जो नई योजना लानी चाह रही है वो इन लोगों को केंद्रित करके ला सके। यानी कि प्रदेश सरकार अभी बहुत सी योजनाएं चला रही है लेकिन सभी लोगों को उस योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है उसे लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक हमारे प्रदेश में चलाया गया था छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर के मोबाइल ऐप के माध्यम से इसमें सर्वे किया गया और प्रदेश सरकार जो अलग अलग प्रकार की विभिन्न योजनाएं चला रही है उन योजनाओं को जरूरतमंदों को मिल सके इसलिए योजना चलाया गया और आगामी सरकार इसी डाटा के आधार पर नवीन योजनाओं पर भी कार्य करेगी। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 चलाया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23। देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया कोंडागांव जिले के डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी को। डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी जो कि मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक है, इन्हें अब तक देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें अब तक 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है आपके राजा राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी। इन्हें जो है प्राकृतिक ग्रीन हाउस मॉडल और साथ ही साथ काली मिर्च की नई प्रजाति MD BP16 के विकास एवं बहुचर्चित ATBP मॉडल अर्थात ऑस्ट्रेलियन टिक के पेड़ पर काली मिर्ची की लताएं चढ़ाकर 1 एकड़ की जमीन पर 50 एकड़ तक के उत्पादन के लिए, इन दोनों कार्यों के लिए इन्हें जो है देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत के जो कृषि मंत्री है उनके हाथों से इन्हें सम्मानित किया गया। तो कौन है ये? आपके कोंडागांव जिले के डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जो कि मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक है, देश के एकमात्र ऐसे किसान जिन्हें 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रबर की खेती। केरल की तर्ज पर हमारे देश में जो रबर की खेती ये होती है मुख्य रूप से आपके केरल में, तो केरल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है आपकी रबर की खेती की जाएगी और ये जो रबर की खेती होगी ये आपके बस्तर वाले क्षेत्र में की जाएगी, ऐसे अभी चर्चा में था। देखिए बस्तर में ये जो है आपके बस्तर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रबर की खेती को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य अनुबंध हुआ है। रबर अनुसंधान संस्था प्रायोगिक तौर पर बस्तर में करेगा रबर के पौधे का रोपण। तो केरल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में रबर की खेती की जाएगी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है PhD डॉक्टर की मानद उपाधि। अभी हाल ही में इस अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पंडवानी गायिका आपकी उषा बारले जी, पद्मश्री उषा बारले, इन्हें जो है PhD डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अप्रैल महीने में 2 डॉक्टरेट 2 PhD की उपाधि दी गई है। एक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण एवं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के लिए इन्हें PhD यानी कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की पहल के लिए इन्हें PhD से सम्मानित या PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम के आगे क्या लगेगा? डॉक्टर भूपेश बघेल, डॉक्टर भूपेश बघेल पूरा आप लिखेंगे, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल। ठीक है, वैसे ये पंडवानी गायिका है आपकी उषा बारले, अब इनके भी नाम के आगे लगेगा आपकी डॉक्टर। इन्हें जो है पंडवानी से प्रदेश का नाम रोशन करने की दिशा में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वारा इन्हें भी PhD डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो रिपोर्ट है ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स TISS प्रयास दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल
पॉलिसी एवं हाउस इंडिया लाइव्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों में जस्टिस न्याय व्यवस्था के आधार पर यहां पे रैंक दिए जाते हैं। यह न्याय तक पहुंच प्रदान करने में उनकी क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंक निर्धारित करती है। इसमें मुख्यतः चार प्रमुख स्तंभ होते हैं, एक होता है पुलिसिंग, दूसरा जेल, तीसरा न्यायपालिका और चौथा होता है कानून व्यवस्था। ठीक है, देखिए अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, ओवरऑल ये जो आपका इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। हमारा छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है इसके ओवरऑल रैंकिंग पे। ठीक, अगर हम पहले स्थान पर की बात करें तो पहले स्थान पर है आपका कर्नाटक और सेकंड नंबर पर है आपका तमिलनाडु। हमारा छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है, छत्तीसगढ़ है 9वें स्थान पर। और जैसे चार स्तंभ की हमने बात किया था तो पुलिसिंग में हमारा छत्तीसगढ़ है 9वें स्थान पर, जबकि जेल वाली व्यवस्था में है हमारा छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर। न्याय व्यवस्था में है हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर, जबकि जो न्यायिक सहायता है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ है आपके 11वें स्थान पर। तो ये छत्तीसगढ़ की अलग अलग स्तंभों के आधार पर रैंकिंग है। आपके लिए केवल एक ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विविध मिसलेनियस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा पूजा स्थल देवगढ़ी, जनजातियों के जो पूजा स्थल उन्हें देवगुड़ी कहा जाता है, ठाकुर देव एवं सांस्कृतिक केंद्र घोटुल का परीक्षण एवं विकास योजना 2006 यथा संशोधित 2022 में जो घोटुल शब्द है उस घोटुल शब्द के स्थान पर अब घोटुल कहा जाएगा, GOTUL। पहले क्या था, GHOTUL था, ठीक है, अब इसे GOTUL कहा जाएगा। यहां पे घ के जगह यहां पे ग आएगा, ठीक है। तो घोटुल का नाम परिवर्तित करके घोटुल कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। सुकमा राज मेला जो कि 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, इसका आयोजन 9 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक यह आयोजित हुआ। सालों पहले जयपुर के राजा एवं सुकमा के राजा के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सुकमा के राजा जो है ये जीत गए थे। उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया था, इसी जीत की खुशी में जो है आपका यहां हर साल नहीं होगा 12 साल होगा, 12 साल में राजा मंडई मेले का आयोजन किया जाता है जिसे जो है आपके सुकमा राज मेले के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर है वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को 7.6% से बढ़ाकर के 8% कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में पूरे देश भर में अलग अलग योजनाएं चल रही है, उसमें से एक योजना है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें किसी भी परिवार की दो बालिकाओं का, मिनिमम दो बालिकाओं का इसमें बैंक अकाउंट खुलाया जाता है जिसमें 8% की दर से ब्याज दिया जाता है। मिनिमम राशि 250 रुपए, मैक्सिमम राशि 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें बालिका 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अपने शिक्षा के लिए 50% अमाउंट और 21 साल पूर्ण होने पर यानी कि शादी होने के एज में पूरी राशि निकाल सकती है। इसमें 8% की दर से ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट ब्लॉक ई ऑक्शन नीलामी। अभी हाल ही में जो है हमारे प्रदेश के ग्रेफाइट ब्लॉक जो कि बलरामपुर जिले के केनापारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक की जो है ई ऑक्शन में नीलामी हुई है। और इस प्रकार से ग्रेफाइट ब्लॉक का ई ऑक्शन के माध्यम से नीलामी करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उड़ीसा और झारखंड में ग्रेफाइट ब्लॉक की ई ऑक्शन में नीलामी हुई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपका केनापारा ब्लॉक में किस खनिज का भंडारण है पूछा जाए तो यहां पर जो है ग्रेफाइट खनिज का भंडारण है। पेंसिल की जो सामने की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनती है, ठीक है। तो केनापारा ब्लॉक बलरामपुर में किस खनिज का भंडारण है, ग्रेफाइट खनिज का भंडारण है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि ई ऑक्शन के माध्यम से इसकी नीलामी की गई। और इस प्रकार से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य बन गया है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है आपका झारखंड, ठीक। इसके बाद लिथियम भंडारित क्षेत्र, अभी हम देख चुके हैं सुकमा में जो है वर्ष 1978 में ही लिथियम भंडारण की पुष्टि कर दी गई थी गोविंदपाल मुंडपाल वाले क्षेत्र में और चीरुवाड़ा पदपाल और कोकल पाल में। ये जो क्षेत्र है यहां पर किसका भंडारण है, यहां पर जो है लिथियम खनिज का भंडारण है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी को लॉन्च किया गया हाल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, क्या नाम है, रेडियो संगवारी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट एंटरटेनमेंट टीवी चैनल जिसका नाम है सुपर टीवी, जिसमें इस सुपर टीवी एक मोबाइल ऐप है जिसे डाउनलोड करके आप इसमें छत्तीसगढ़ के धारावाहिक
छत्तीसगढ़ की फिल्में, छत्तीसगढ़ के गाने इसमें सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोल मंत्रालय 5-स्टार रेटिंग कोल खदान, यह प्रदान किया गया है आपके कोरबा जिले के बंगवार भूमिगत खदान को। देखिए कोल मंत्रालय के द्वारा हाल ही में पूरे भारत भर के अलग अलग कोयले ब्लॉक को रेटिंग प्रदान की गई है, जिसमें मैक्सिमम रेटिंग है आपके 5-स्टार की, 5-स्टार, 4-स्टार, 3-स्टार, 2-स्टार, 1-स्टार, जिसमें से 5-स्टार रेटिंग हमारे प्रदेश के कोरबा जिले के बंगवार भूमि खदान, बंगवार कोयला भूमिगत खदान को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मैक्सिमम रेटिंग है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि बंगवार भूमिगत खदान में किस खनिज का भंडारण है, यहां पे कोयले का भंडारण है। बंगवार कोल भंडारित क्षेत्र किस जिले में है, कोरबा जिले में है। नेक्स्ट देखिए राजा जगत पाल का टीला, ये कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, एक न्यूज आर्टिकल आया था जिसे मैंने ऐड किया है। दुर्ग जिले में खारून नदी के तट पर तर्री घाट में जो है एक मतलब कुछ अवशेष बिखरे हुए हैं, जो कि मोहन जोदारो सभ्यता के समान प्रतीत होते हैं। मोहन जोदारो काल के नहीं है, उसकी सभ्यता के, जैसे मोहन जोदारो में जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, वैसे ही आपके नगरीय अवशेष इस स्थान प्राप्त हुए हैं, जिसे राजा जगत पाल के टीले के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के 230 स्कूलों का चयन। पीएम श्री योजना क्या है, प्रदेश के सभी स्कूलों में जो है अत्याधुनिक, उसे जो है आधुनिक बनाना, यानी कि स्मार्ट क्लास बनाना, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करवाना, तो यह है पीएम श्री योजना। इस पीएम श्री योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 211 स्कूलों का चयन हुआ है। कितने स्कूलों का, 211 स्कूलों का चयन हुआ है पीएम श्री योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है ऋषि झरन जलप्रपात किस जिले में है, गरियाबंद जिले में है। हाल ही में यहां पर तितलियों की 53 प्रजातियों की खोज हुई है। तितलियों की प्रजाति से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऋषि झरन जलप्रपात जो कि गरियाबंद जिले में है। देखिए अभी तो शुरू से हमारे वीडियो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में यहां पे काफी डिस्टर्बेंस हो गया, शादी का माहौल है जिस कारण से डीजे जाते रहते हैं, धुमाल पार्टी जाते रहती है, इस कारण से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आपको शोर शराबा देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो के बीच बीच में भी आपको इंटरप्शन देखने के लिए मिलेगा। क्या कर सकते हैं, शादियों का सीजन है, वीडियो को भी बनाना जरूरी है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।